हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे इंडियन नेवी न्यू रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में, जिसकी एक नई अपडेट जारी कर दी गई है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इंडियन नेवी न्यू रिक्रूटमेंट 2023 डिटेल्स चेक करेंगे। अगर हम नेम ऑफ एग्ज़ाम की बात करें, यानी एग्ज़ाम कंडक्टिंग नेम की, तो जॉइन इंडियन नेवी रखा गया है। अगर हम एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करें तो हमारा एडवर्टाइजमेंट नंबर एंट्री 2023 बैच रखा गया है। अगर हम पोस्ट नेम की बात करें तो हमारा पोस्ट नेम पेटी ऑफिसर, और उसके बाद सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटर, SSR मैट्रिक रिक्रूटर, MR रखा गया है। अगर हम टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो हमारा टोटल नंबर ऑफ पोस्ट अभी अपडेट सुन पे रखा गया है। अगर हम कौन कौन अप्लाई कर सकता है इस फॉर्म के लिए, तो ऑल ओवर इंडिया के सभी कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर हम मोड ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो हमारा एप्लीकेशन मोड ऑफलाइन मोड रखा जाएगा, यानी इंडिया के सभी कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए ऑफलाइन ही आवेदन कर पाएंगे। अगर हम लास्ट डेट टू अप्लाई की बात करें तो हमारा लास्ट डेट टू अप्लाई 25/9/2023 रखा गया है। अगर हम इंडियन नेवी न्यू रिक्रूटमेंट 2023 एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो हमारा एप्लीकेशन फ़ीस 0 रखा गया है, यानी आपको कोई भी फीस पे नहीं करना है। अगर हम नेम ऑफ द पोस्ट की बात करें तो हमारा नेम ऑफ द पोस्ट सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट रखा गया है, यानी SSR के लिए वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद मैट्रिक रिक्रूट्स MR के लिए भर्ती निकाली गई है। अगर हम इंडियन नेवी न्यू रिक्रूटमेंट 2023 एज लिमिट की बात करें तो हमारा एज लिमिट, अगर हम मिनिमम एज लिमिट की बात करें तो हमारा मिनिमम एज लिमिट 17 साल 5 महीने से लेकर 25 साल तक, मैक्सिमम एज लिमिट 25 साल तक रखी गई है। यानी 17 साल 5 महीने से लेकर 25 साल तक के सभी कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करें तो आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल और OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 साल की छूट दी जाएगी। अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो हमारा क्वालिफिकेशन, अगर आपने इंडिया के किसी भी बोर्ड से 10वीं या 12वीं पास की है तो ही आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर हम इंडियन नेवी न्यू रिक्रूटमेंट 2023 इंपॉर्टेंट लिंक की बात करें तो मैंने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे प्रोवाइड करा दिया है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहां से आप फॉर्म डाउनलोड करके आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप नोटिफिकेशन चेक करना चाहते हैं तो इस वाले लिंक पर विजिट करके आप यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आप ऑफिशियल साइट पर जाना चाहते हैं तो ऑफिशियल साइट पर विजिट करने के लिए आप इस वाले लिंक पर विजिट करके आप यहाँ से ऑफिशियल साइट पर जा पाएंगे। अगर हम इंडियन नेवी न्यू रिक्रूटमेंट 2023 इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो अगर हम स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑफलाइन एप्लीकेशन की बात करें तो अभी हमारा स्टार्टिंग डेट यहां पे नहीं दिया गया है। अगर हम क्लोजिंग डेट की बात करें तो हमारा क्लोजिंग डेट 25/9/2023 रखा गया है। अगर आप भी इंडियन नेवी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे प्रोवाइड करा दिया है। और भी इसकी कोई नई अपडेट आती है तो मैं इसकी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।